बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम क्लास। क्लास, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में सोल प्रोप्राइटरशिप बिज़नेस का चैप्टर शुरू किया था और उसमें जो है हमने सोल प्रोप्राइटरशिप की डेफिनेशन को पढ़ा था और उसके साथ साथ हमने उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को ही पढ़ा था। अब हम लेक्चर नंबर 2 में सोल प्रोप्राइटरशिप के ही एडवांटेजेस को डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं, ठीक है, कि इसकी क्या क्या जो है वो पॉजिटिविटी है, क्या क्या फ़ायदे होते हैं आपको अगर आप सोल प्रोप्राइटरशिप बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट करते हो या कोई बिज़नेस एज अ सोल प्रोप्राइटर शुरू करते हो। ठीक है, सबसे पहला जिसका फ़ायदा होता है कि आप जिनको ये चीज़ बेच रहे हो, आप जो अपनी प्रोडक्ट किसी को सेल कर रहे हो, तो उनसे आपका डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। ठीक है, आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होते हो कस्टमर के, और आपको पता होता है कि उनकी लाइक्स क्या हैं, उनके डिसलाइक्स क्या हैं, उनकी जो फाइनेंशियल कैपेसिटी है वो तकरीबन आपको अंदाज़ा हो जाता है कि ये जो मेरा कस्टमर है ये किस तरह का कस्टमर है, इसकी पेमेंट क्रेडिबिलिटी क्या है, ठीक है, और इसके लाइक्स क्या हैं, डिसलाइक्स क्या हैं, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें आपको पता हो जाती हैं क्योंकि आप जो है वो डायरेक्टली लिंक होते हैं कस्टमर से। अगर आप दूसरे बिज़नेस में जाएं, जैसे पार्टनरशिप बिज़नेस है या जॉइंट स्टॉक कंपनीज़ हैं, दूसरी जो बड़ी कंपनीज़ होती हैं उसमें चूंकि मार्केटिंग मैनेजर्स वगैरह होते हैं, मार्केटिंग के बंदे मौजूद होते हैं, तो उनका लिंक हुआ हुआ होता है। ठीक है, जो बॉस होते हैं वो बैकएंड पे काम कर रहे होते हैं, लेकिन जो मार्केटिंग के बंदे होते हैं, जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है, उनका लिंक कस्टमर से हो रहा होता है। ठीक है, या फिर कोई डिस्ट्रीब्यूटर से डायरेक्ट कस्टमर का लिंक हो रहा होता है। तो इस सोल प्रोप्राइटरशिप बिज़नेस में आपको ये बहुत बड़ा फ़ायदा होता है कि आपका डायरेक्टली लिंक जो है वो किससे होता है, कस्टमर से होता है। ठीक है, अगर अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जाएं, तो जो आपके प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है, जो आपके बिज़नेस को डेवलप कर रहे हैं, जो कि आपके बिज़नेस की रीढ़ की हड्डी की मानिंद होते हैं, वो आपके एम्प्लॉयज़ होते हैं। ठीक है, एक बॉस का, एक सोल प्रोप्राइटरशिप बिज़नेस का जो बॉस होता है उसका डायरेक्टली लिंक किससे होता है, अपने वर्कर से भी होता है, अपने एम्प्लॉयज़ से भी होता है। वो जानता है कि इनको काम करने में क्या क्या मसाइल का सामना है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करूं कि अगर किसी ऑफिस में इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है, ठीक है, और बार बार जो है वो लाइट जाने की वजह से काम में हर्डल्स होते हैं, तो उसको पता है कि अगर ये काम लेट हो रहा है तो इसकी वजह इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, या अगर किसी वजह से वो काम सही नहीं दे पा रहा आपका वर्कर, तो कोई ना कोई इश्यूज़ होंगे और आप जो है उसको पता करने की कोशिश करोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल एक दफ़ा ऐसा हुआ था कि हमारा ही एक कुलीग था, उसके रूम में जो है बहुत ज़्यादा गर्मी होने की वजह से वो सही से काम नहीं कर पा रहा था। ठीक है, उसका एसी था लेकिन वो सही वर्क नहीं कर पा रहा था। ठीक है, तो ये एक उनके लिए डिमोटिवेशन फैक्टर था। ठीक है, जिसको जो है जो एम्प्लॉय था उसने रियलाइज़ किया कि ये जो है डीमोटिवेशन फैक्टर है और ये मेरे वर्कर को डीमोटिवेट कर रहा है। ठीक है, और क्योंकि अब उसको पता चल गया ना कि ये जो है मेरे वर्कर को कमज़ोर कर रहा है, वो काम करने में सही दिलचस्पी नहीं ले पा रहा, उसकी मतलब मुझे प्रॉब्लम पता चल गई कि वो आउटपुट क्यों नहीं दे पा रहा। ठीक है, तो फिर उन्होंने जो है सही इंतज़ाम किया एसी का। ये एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है जो कि हमारे ऑफिस में हुआ था। ठीक है, तो आपके उनके ये बात पता चल गई कि आपको प्रॉब्लम्स, लाइक्स डिसलाइक्स ऑफ वर्कर्स कभी पता चल जाता है जब आप सोल प्रोप्राइटरशिप बिज़नेस में होते हो। ठीक है, अब इसकी अगर परफॉर्मेशन की बात करें तो हमने कैरेक्टरिस्टिक में ही पढ़ी थी ये बात कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक, इसकी जो फॉर्मेशन है वो बहुत ही ईजी होती है। जस्ट आपके पास कुछ कैपिटल होना चाहिए आपके बिज़नेस के हिसाब से जो आप शुरू करने जा रहे हो, और उसके लिए रिक्वायर्ड कैपिटल हो, आपके पास उसकी स्किल्स हों, तो फिर ये बिज़नेस जो है वो आसानी से शुरू की जा सकती है। ठीक है, इसमें कोई लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती। ठीक है ना, चंद बिज़नेसेस हैं जिसके अंदर आपको लाइसेंस वगैरह चाहिए होते हैं। ठीक है, जैसे मेडिकल स्टोर की मैंने लास्ट टाइम बात की थी, तो उसमें जो है आपको लाइसेंस चाहिए होती है, जब ही आप वो बिज़नेस शुरू कर सकते हो। ठीक है, फॉर्मेशन के साथ डिसोल्यूशन की अगर बात करें, अगर बिज़नेस जो है वो डिसॉल्व करने जा रहे हैं, आप लिक्विडेट करने जा रहे हैं, तो उसका भी डिसोल्यूशन जो है बहुत आसान है। ठीक है, चूँकि उसमें कोई ज़्यादा कानूनी कार्रवाइयाँ नहीं होती, जस्ट आपने अपना शटर गिराना है और आपका बिज़नेस क्लोज। ठीक है, ईजी ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप। अगर आप, लेट्स से कि आपका बिज़नेस अच्छा चल रहा है और आप
किसी और मसरूफियत में या कोई और सेकंड बिजनेस या कोई दूसरी जॉब आपको मिल गई है, ठीक है, और आप चाह रहे हो बस मैं इसको क्रॉस करना चाहता हूँ या ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ या अपने बेटे को देना चाहता हूँ, तो इसकी ट्रांसफ्रेंस जो है वो बहुत आसान है। ट्रांसफ्रेंस की वजूहत बहुत सारी हो सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि बेटे को ट्रांसफ़र करना है या फिर किसी वजह से उस बिज़नेस को किसी और को ट्रांसफ़र करना है, किसी और को देना है, तो वो भी बहुत आसान है, उसमें कोई इतनी लीगल पेचीदगियाँ नहीं होती, ठीक है। अब जब ये सारी मेहनत जो है वो सोल प्रोप्रेटरशिप बिज़नेस कर रहा है, सोल प्रोप्रेटरशिप का एक जो बंदा है वो कर रहा है मेहनत, तो पूरा का पूरा प्रॉफिट भी किसका होगा? उस शख्स का होगा जो कि इस बिज़नेस में इन्वॉल्व हो, ठीक है। पॉइंट नंबर 7 में अगर हम बात करें तो इंटायर कंट्रोल, ठीक है। एक बिज़नेस, सोल प्रोप्रेटरशिप बिज़नेस में जो शख्स होता है वही तमाम बिज़नेस के मामलात को कंट्रोल कर रहा होता है। उसे पता होता है कि मुझे कहाँ पे ज़्यादा कंट्रोल करना है, कहाँ पे कम करना है, ठीक है, कहाँ पे मुझे ज़्यादा सख्ती करनी है, कहाँ पे मुझे पॉलिसीज़ बनाना है, कहाँ नहीं बनाने, ठीक है ना। वो तमाम जो मामलात हैं बिज़नेस के उनको कंट्रोल करना है। उसे पता होता है कि मुझे कहाँ पे ज़्यादा मार्केटिंग पे फोकस करना है, ठीक है, उसे पता होता है कि कहाँ पे कम करना है, ठीक है। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो सोल प्रोप्रेटरशिप बिज़नेस में आपके लिए बहुत आसान होता है करना, कि आप अपने बिज़नेस को आसानी से कंट्रोल कर सकते हो बनिस्बत दूसरे बिज़नेसेस के जिसमें आपका अपना कंट्रोल नहीं होता, ठीक है। पॉइंट नंबर 8 में हम बात करें फ्लेक्सिबिलिटी की, तो इससे जो है कंट्रोलिंग का इससे जो है आपस में इंटर रिलेटेड है ये। फ्लेक्सिबिलिटी की अगर मैं बात करूँ तो ये इंतहाई फ्लेक्सिबल से मुराद क्या है, अगर आप रेजर को देखो तो वो आसानी से खींचता है, तो आपके तो ये फ्लेक्सिबल है काफ़ी, ठीक है। तो फ्लेक्सिबिलिटी बिज़नेस में फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये होता है कि उनकी पॉलिसीज़ अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स होती हैं, ठीक है। ये जो बिज़नेस वाहिद आजराना कारोबार है इसमें जो बिज़नेसमैन होता है वो अपनी पॉलिसीज़ अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के लिहाज से बनाता है, ठीक है। पॉइंट नंबर 9 में बात करें तो ये ऑनेस्टी, ऑनेस्टी ज़ाहिर है बिज़नेस आपका अपना है, ठीक है, एक ही बिज़नेस है, तो ज़ाहिर है वो अपने बिज़नेस से भी क्या होता है, ऑनेस्ट होता है। उसे पता है कि मैं ईमानदारी से काम करूँगा तो ही मुझे उसका सही रिस्पॉन्स मिलेगा, सही रिवॉर्ड मिलेगा। पॉइंट नंबर 10, पर्सनल सेटिस्फैक्शन, ठीक है। देखें बहुत सारे बिज़नेस ऐसे होते हैं जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर तो देते हैं लेकिन आपके उसके बाद आपको टेंशन होती है, यार पता नहीं मुझे रिवॉर्ड मिलेगा नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन आप अगर अपना बिज़नेस ऑनेस्टी से कर रहे हैं, आपकी कंट्रोलिंग अच्छी है, ठीक है, और जो है आप तमाम लीगल पेचीदगियों के अपने बिज़नेस के हवाले से जानते हैं उसको, ठीक है, तो फिर आपको पर्सनल सेटिस्फैक्शन रहती है कि जनाब ठीक है मैंने इन्वेस्टमेंट जो की है, मैं मेहनत भी कर रहा हूँ, मैं हार्ड वर्कर भी हूँ, मेरा पर्सनल इंटरेस्ट भी है, तो मुझे फिर घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो फिर सुकून की नींद सोता है कि भाई मुझे कोई परेशानी नहीं है कि मेरा पैसा डूब जाएगा अगर मैं कहीं शेयर्स ख़रीदता हूँ, ठीक है, तो मुझे लाहक परेशानी होगी कि मैंने जो है बड़ी मेहनत से पैसे जमा करके जो है वहाँ इन्वेस्टमेंट की है और मेरे वो कंट्रोल में नहीं है। आपका बिज़नेस चूँकि आपके कंट्रोल में होता है तो आपको पर्सनल सेटिस्फैक्शन भी होती है, ठीक है। क्विक डिसीजंस, बिज़नेस आपका है, वन मैन शो है, ठीक है, तो डिसीजंस भी क्या होते हैं, बहुत तेज़ी में होते हैं, क्विक डिसीजंस होते हैं, ठीक है। तमाम मतलब आपने जो वर्कर्स होते हैं आप उनसे मशवरा करते हो और उसके बाद क्विक डिसीजंस भी ले सकते हो, कभी कभी आप अकेले भी डिसीजन ले सकते हो। लेकिन जो दूसरे बिज़नेसेस होते हैं, फॉर एग्जांपल पब्लिक लिमिटेड कंपनीज हैं या प्राइवेट कंपनीज हैं, ठीक है, वहाँ पर पूरे पूरे डायरेक्टर्स बैठते हैं। अब ऐसा होता है कि 7 डायरेक्टर्स हैं, ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, तो उसमें से एक एब्सेंट हो गया तो उसकी वजह से जो है मीटिंग पोस्टपोन कर दी गई, बहुत सारे वजूहत की बिना पे कभी कभी मीटिंग्स डिले कर दी जाती हैं कि भाई हड़ताल हो गया तो ये मीटिंग डिले हो गई, ठीक है, स्ट्राइक वगैरह हो गई तो मीटिंग डिले कर दी गई। लेकिन चूंकि ये वाहिद आजराना कारोबार है तो डिसीजन भी आपने खुद ही लेना है, तो इसीलिए इस बिज़नेस का फ़ायदा ये होता है कि आप जो है वो डिसीजंस बहुत तेज़ी में ले लेते हैं। पर्सनल इंटरेस्ट का ताल्लुक ऑनेस्टी और पर्सनल सेटिस्फैक्शन से है, ठीक है। आप अगर अपना बिज़नेस ऑनेस्टी से कर रहे हैं, अपना कारोबार जाहिर सी बात है बिज़नेस ही आपका अपना है, तो आप ऑनेस्टी भी दिखाते हो और आप काम में इंटरेस्ट भी ले रहे होते हो, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि आपका प्रॉफिट किसका है, पूरा का पूरा आपका ही है, तो जितने आप इंटरेस्ट दिखाएंगे उतना ही प्रॉफिट क्या होगा, अच्छा होगा, तो इसलिए उसका इंटरेस्ट भी बढ़ जाता है, ठीक है। वो कस्टमर्स पे और ज़्यादा मेहनत करता है, उनके लाइक्स और डिसलाइक्स को समझने की कोशिश करता है, उनको जानने की कोशिश करता है कि वो उनकी नीड्स क्या हैं,
ठीक है। मार्केटिंग का पहला एसओएल यही होता है कि आपको आइडेंटिफाई द नीड्स, ठीक है। तो आप जो है नीड्स को आइडेंटिफाई करते हो, यानी आप अपना इंटरेस्ट दिखाते हो, आप अपना पर्सनल इंटरेस्ट शो करते हो काम के साथ, तो फिर आपको ज़ाहिर है फिर रिवार्ड भी इंशाल्लाह मिल जाता है, पर्सनल इंटरेस्ट। सेविंग एंड टैक्सेस, दूसरे बिजनेस की अगर हम बात करें तो उसमें टैक्सेस जो है बहुत ज़्यादा इम्पोज हो रहे होते हैं, डुअल टैक्सेशन लग रहा होता है, उसका हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे डुअल टैक्सेशन क्या चीज़ होती है, लेकिन इसमें जो है सिर्फ पर्सनल इनकम टैक्स लग रहा होता है या पर्सनल टैक्स लग रहा होता है, ठीक है, इसमें डुअल टैक्सेशन नहीं होता। सेविंग इन लीगल एक्सपेंसेस, ठीक है, अगर मैं इसको कंपेयर करूं दूसरे बिजनेस से तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा लीगल पेचीदियाँ होने की वजह से बहुत ज़्यादा हमें डॉक्यूमेंट्स की तैयारी करनी पड़ती है, ठीक है। अभी आप पढ़ेंगे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, तो ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं इनको बनाने के लिए ज़ाहिर है हमें लॉयर्स भी हायर करने पड़ते हैं, और बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स को बनाने के लिए स्टाफ हायर होते हैं, और फिर उन पर कार्रवाइयाँ होती हैं, उस पर सारी चीज़ें मामलात होते हैं, तो इसके ज़ाहिर सी बात है कोई ना कोई अखराजात होते हैं, तो वो तमाम अखराजात इस बिज़नेस की करने की वजह से वाइड हो जाते हैं, कोई उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसमें इस बिज़नेस में आपको ना ही किसी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की बनाने की ज़रूरत है, ना ही कोई मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की बनाने की ज़रूरत है, सिर्फ कभी कभार किसी न किसी बिज़नेस में लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है, जो कि बहुत ही एक नॉमिनल सी अमाउंट होती है जो कि आपको जमा करवा के मिल जाती है, ठीक है। उसके बाद सीक्रेसी, आपका बिज़नेस है, आप डिसीजन लेते हो, आपको पता है कि भाई जैसे कि मैंने कहा कस्टमर्स के आपको नीड का पता होता है, लाइक्स का पता होता है, डिसलाइक्स का पता होता है, कौन से प्रोडक्ट्स को चाहिए कौन से प्रोडक्ट नहीं चाहिए, ठीक है, वर्कर्स का पता होता है, तो ये तमाम क्या हैं, ये आपके सीक्रेट्स हैं, ठीक है। या जो आप प्रोडक्ट बना रहे हो वो उसमें क्या क्या इन्ग्रीडियंट्स डल रहे हैं, आपकी स्पेशलिटी क्या है, ये तमाम क्या हैं, आपके सीक्रेट्स हैं, ठीक है। तो ये सीक्रेट्स ज़ाहिर है आप किसी से शेयर तो नहीं करते, तो ये किसके पास रहते हैं, आपके पास रहते हैं, तो आपके पास जो आपके सीक्रेट्स जो हैं वो सीक्रेट्स ही रहते हैं इस बिज़नेस में। तो आज हमने डिस्कस किया एडवांटेजेस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके डिसएडवांटेजेस भी पढ़ेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अस्सलाम वालेकुम।